सो फाइनली दोस्तों कल के 2898 एडी को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भाई साहब, ट्रेलर की रिलीज डेट फाइनली आ चुकी है, रन टाइम दोस्तों वो आ चुका है। एंड आपको बता दूं कि अब ये जो फिल्म है कल की एक बहुत ही बड़े लेवल पे जा चुकी है। वेल दोस्तों इंडिया को छोड़ो भाई, क्योंकि ये फिल्म दलाज यूएसए तमाम जगहों पे, नॉर्थ अमेरिका, साथ ही साथ दोस्तों हैदराबाद, मुंबई, और जब से इसके दो एपिसोड रिलीज किया हो गए प्राइम वीडियो पे, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, जी दोस्तों क्रैश एंड बर्न एंड पार्टनर एपिसोड जो रिलीज हुए हैं भाई, इन दोनों एपिसोड ने ना प्राइम वीडियो गर्दा उड़ा दिया भाई। मतलब यकीन नहीं हो रहा कि यार ये फिल्म का लेवल अश्विन नाग भाई साहब क्या है। SS राजामौली को पछाड़ दिया, उसके अलावा संदीप रेड्डी को पछाड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई इस बंदे की कम एज है यार, इस बंदे का विजन इतना बड़ा कैसे हो सकता है। 600 करोड़ रुपए कम नहीं होते, एंड ये क्या सोच रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों आपको बता दूं कि छपरी गैंग की फट चुकी है, छपरी गैंग पता है किस मुकाम पे आई है। छपरी गैंग कह रही है कि भैया प्रभास हमारा दोस्त है, प्रभास हमारा शत्रु नहीं है, प्रभास हमारा दोस्त है। वेल दोस्तों बताऊंगा, सारी रिपोर्ट लेके आऊं मैं, क्योंकि कल की के ट्रेलर से घबरा गया है छपरी गैंग, और इनको पता है कि जब कार्टून वाली फिल्में, एनिमेशन सीरीज, प्रीलोड सीरीज इतनी बवाल मचा सकती है, तो फिर कल की के ये फिल्म 27 जून को आ रही है, उसका क्या सुनामी होने वाला है। बवंडर भैया बवंडर, वीडियो को पूरा देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत जो करता है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक कमेंट तो भर भर के कर दो यार। आइए शुरू करते हैं। सुबह दोस्तों कल्कि का रन टाइम आया है 2 घंटे 50 मिनट, मतलब ये फिल्म 2 घंटे 50 मिनट लंबी होगी। इस फिल्म का दोस्तों आपको बता दूं कि हाइप इतना ज़्यादा बन गया है कि बुक माई शो पे 2,50,000 क्रॉस हो चुका है। आपको बता दूं कि प्राइम वीडियो पे जब से एपिसोड 1 एपिसोड 2 रिलीज हो गया ना भाई, सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स भैरवा और बुज्जी का जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों के बीच एक पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है, लोग एक पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं, लोगों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा है। एंड लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एनिमेशन इतना फाड़ू है, एनिमेशन हमें एंटरटेन कर रहा है, तो क्या फिल्म वाकई में ऐसा एंटरटेन करेगी। तो डेफिनेटली यस दोस्तों, फिल्म वाकई में ही ऐसा एंटरटेन करेगी। एंड मुझे लगता है कि अश्विन नाग का जो विजन है ना भाई, सच बता रहा हूं, जितनी उसकी एज नहीं है उससे ज्यादा उसका विजन बड़ा है, क्योंकि भाई अश्विन नाग क्या, मैंने ऐसा पहली बार बता रहा हूं दोस्तों कि ऐसा कभी नहीं देखा। फिल्में आती है, एडवांस बुकिंग चालू होती है, लेकिन पहली बार कोई ऐसी फिल्म जो रिलीज से पहले OTT पे आ रही है, यूजली फिल्में रिलीज के बाद OTT पे आती है। एंड कोई फिल्म दोस्तों, सबसे बड़ी फिल्म है, आज तक अभी 600 करोड़ रुपए किसी फिल्म ने नहीं लगाए हैं। एंड दूसरी बात, आज तक कोई फिल्म ने 7-8 करोड़ की कार नहीं बनाई है, फ्यूचरिस्टिक कार। और तीसरी बात, कोई फिल्म ऐसी एवर इन इंडिया हिस्ट्री दोस्तों कभी भी एनिमेशंस नहीं रिलीज किए हैं। फिल्म तो 27 तारीख को हो रही है, लेकिन एनिमेशंस प्रीलूड कभी आज तक रिलीज नहीं किया है। सो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद लोगों के बीच एक एक्साइटमेंट जाग चुका है, लोग अब पागल हो रहे हैं प्रभास के लिए, डार्लिंग प्रभास के लिए। एंड इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों जितनी हाइप इंडिया में है ना भाई, उससे कहीं ज़्यादा हाइप USA, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेनिश दोस्तों तमाम जगहों पर, UK में, सब जगहों पर दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिलीज हो रहा है। आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन के राइट प्रथेंगा सिनेमा एंड AA क्रिएशन के पास है। एंड सबसे बड़ी बात भाई, ये एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है कल की मूवी यूनिवर्स के लिए। एंड कल की के तो सुनने में आ रहा है कि 9 पार्ट आने वाले हैं कल की में। हो सकता है आने वाले टाइम पे सारे पार्ट्स का स्पिन ऑफ होने वाला है। हो सकता है कि हनुमान जी का रोल के लिए स्पिन ऑफ होगा, अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन का स्पिन ऑफ रोल होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा दोस्तों, ये फिल्म आप समझ लो कि जैसे एवेंजर मूवी थी ना, जिसमें सारे हीरो थे एंड सबके अपने अपने स्पिन ऑफ थे, फिर बाद में वो लोग थैनोस को मारने के लिए एकजुट हो जाते हैं, भाई यहाँ भी वही होने वाला है। कल्कि को मारने के लिए सब एकजुट होंगे, अपने अपने यूनिवर्स में सबकी फिल्में होंगी। एंड भाई क्या बड़ा विजन है यार, भाई सच्ची बता रहा हूँ, दिल खुश हो गया है, सच बता रहा हूँ। इसके साथ दोस्तों आपको बता दूं कि जितने छपरी गैंग हैं उनको अब डर लगने लग गया है, क्योंकि छपरी गैंग अभी आजकल सोशल मीडिया पता है क्या चल रहा है कि भैया फैंस वॉर खत्म कर दो। जब से डंकी सलार रिलीज हुई थी, क्लैश बढ़े थे एंड फिर से फैंस वॉर प्रभास एंड SRK के बीच स्टार्ट हो गया था। उससे पहले एक बंदे ने लिखा था, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर छपरी गैंग लिख रही है, कि हम दोनों के बीच बहुत प्यार था, प्रभास फैंस एंड शाहरुख खान फैंस के बीच बहुत लव है, बहुत बॉन्ड है। एंड उसके बाद दोस्तों डंकी सलार में ये हेट बढ़ गया,
एंड नाउ दोस्तों प्रभास की अभी कल की मूवी आ रही है, तो ये लोग नहीं चाहते कि भाई साहब प्रभास जो है एसआरके से आगे निकले। ये लोग सोच रहे कि भाई साहब ये हेट हम ना फैलाएं, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों हेट स्टार्ट कौन करता है सबको पता है कि एसआरके के फैंस लोग जितने भी छपरी गैंग है ये हेट स्टार्ट करते हैं। ये लोग जानबूझ के अभी पीछे प्रभास को क्या बोला कि गेंडा है, हाथी है, भैंसा है, ट्रोल कर रहे थे, ये फिल्म फ्लॉप होगी, इसके एक्सप्रेशन नहीं होते, इसके डायलॉग नहीं होते, ये सारे छपरी गैंग है भाई। और ये लोग अब क्या बोल रहे हैं कि नहीं हम अब एसआरके के साथ बॉन्ड करना चाह रहे हैं, हेट ना फैलाए एंड हम दोनों मिलकर इस फिल्म को सपोर्ट करें। भाई डोंट बिलीव देम, क्योंकि वो लोग स्नेक है और कभी भी धोखा दे सकते हैं। और आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमें वाकई में इनको हेट नहीं करना चाहिए? हम तो हेट कर ही नहीं रहे। आपको वाकई में लगता है दोस्तों कि ये छपरी गैंग के लिए हम कुछ ना बोले? दोस्तों कितने भाई लोगों को लगता है कि मैं अगर छपरी गैंग के खिलाफ बोल रहा हूं तो ये गलत बोल रहा हूं? कितने लोगों का मानना है और आपकी क्या राय है? क्या वाकई में ये जो छपरी गैंग है जो प्रभास को हेट करते हैं, इनके बारे में हम ना बोले या इनके बारे में बोले या इनको रोस्ट करें? कितने लोग चाहते हैं रोस्ट करें? कॉमेंट करें, जरूर बताना, क्योंकि आपके कॉमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मुझे पता चलेगा कि यस आई नो वट यू वॉन्टेड दोस्तों फ्रॉम मी। ठीक है, तो हम ये जरूर करेंगे, लेकिन डोंट बिलीव देम यार, क्योंकि वो स्नेक है भाई और इन पे भरोसा नहीं, क्योंकि प्रभास को उन्होंने बहुत ट्रोल किया था आदि पुरुष के टाइम पे भी और तमाम फिल्मों के टाइम पे भी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि इसका जो ट्रेलर है वो आ रहा है 7 जून को। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 4-5 दिन ऑलमोस्ट है, उसके बाद 7 जून को ट्रेलर आएगा। ट्रेलर कहा जा रहा है, ट्रेलर जो है एनिमेशन सीरीज वाला नहीं आएगा, बुज्जी एंड भैरवा पूरी कल की मूवी का ट्रेलर आएगा। एंड इस बार दोस्तों ट्रेलर कम से कम भी 3.75 मिनट का ट्रेलर पूरे स्टोरी को दिखाएगा, पूरे VFX पार्ट को दिखाएगा, बुज्जी भैरवा का फिर से एक कॉम्बिनेशन रियल लाइफ का दिखाएगा, नॉट इन एनिमेशन फॉर्म दोस्तों। एंड सच में तबाही भाई, सच में तबाही। मैंने कल देखा भाई मुंबई में जब स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई तो मुंबई के अंदर काफ़ी क्राउड था यार, हैदराबाद इंडिया के अंदर काफ़ी क्राउड, मतलब आप सोच सकते हो कि इंडिया में भाई साहब तगड़ी ओपनिंग होने वाली है, ओवरसीज में तो खैर होगी ही होगी। इसके अलावा दोस्तों एक सॉन्ग आना है जो सुनने में आ रहा है कि जब 8 तारीख को USA के अंदर एडवांस बुकिंग चालू होगी तो 7 तारीख को यहाँ ट्रेलर स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा एंड ट्रेलर के बाद एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी ओवरसीज के अंदर। ठीक है, और ये काम बहुत अच्छा किया फिल्म मेकर ने कि ओवरसीज के अंदर एडवांस बुकिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखो ओवरसीज के अंदर ऑफकोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रथेंगा सिनेमा ने किया है वो बहुत ही बड़े लेवल पर किया हुआ है। इसके साथ ही साथ 2 जून में दोस्तों लगभग सॉन्ग स्टार्ट होने लग जाएंगे आने, और टंक टका सॉन्ग एंड प्रभास के सॉन्ग, मतलब अब एक टाइटल सॉन्ग आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों फिर अब इंडिया में आपको बता दूं कि कम से कम इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से 16-17 से एडवांस बुकिंग चालू कर देनी चाहिए फुल फ्लेज में, ताकि लोगों के पास टाइम हो और लोग और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू कर दे बुक माई शो पे एंड साथ ही साथ इस फिल्म की प्रमोशंस और तो चल ही रही है, कुछ ना कुछ आए दिन आ ही रहा है। एंड दोस्तों क्या लगता है अश्विन नाग का विजन क्या होने वाला है? 26 को USA में प्रीमियर है, 27 को ये फिल्म दोस्तों रिलीज होगी पूरे सिनेमाघरों में। उससे पहले दोस्तों अभी 2 ही पार्ट आए और पार्ट आने बाकी, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5 फॉर ईच ऑफ 15 मिनट्स। वेल दोस्तों क्या लगता है, क्या ये ट्रेलर धमाकेदार होने वाला है? और सबसे मजे की बात पता है क्या दोस्तों, CBFC ने ये कोई कट भी नहीं लगाया। यूजली बॉलीवुड की फिल्मों में कट लगाया जाता है, बट CBFC ने इस बार कोई कट नहीं लगाया दोस्तों, फुल फ्लेज हरी झंडी दे दी है। ये फिल्म बच्चों से लेकर बूढ़ों तक देख सकते हैं एंड ये आप समझ लो एवेंजर ही है। सो दोस्तों ट्रेलर जो है बहुत फाड़ू आने वाला है। ट्रेलर के अंदर हमको अमिताभ बच्चन दिखाई देंगे, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी का झलक है एंड ऑफकोर्स बुज्जी भैरवा का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इस फिल्म के अंदर ऑफकोर्स काशी दिखेगा, कली दिखेगा और दोस्तों कमांडर मानस जो था उसके भी ग्लिम्स देखने को मिल सकते हैं। क्या दीपिका दिखेगी नहीं दिखेगी वो बताना, वो देखना होगा कि वाकई में वो रिप्रेजेंट होती कि नहीं होती इस ट्रेलर के अंदर। लेकिन दोस्तों को बता दूं कि बॉक्स ऑफिस पे इतना जबरदस्त बज बन चुका है इस फिल्म को लेकर कि पहले दिन की ओपनिंग अब 300 करोड़ नहीं, लोग कह रहे 500 करोड़ की ओपनिंग लेगी एंड ये फिल्म 5000 करोड़ इज लोडिंग, क्योंकि अब 2000-3000 करोड़ बहुत ही छोटा वैल्यू बता रहा हूं मैं। सो क्या आप मेरी बात से सहमत हो? क्या कल की वाकई में दोस्तों 5000 करोड़ इज लोडिंग बॉक्स ऑफिस का फर्स्ट डे कितना होगा, कमेंट करके बताओ। और आर यू रियली एक्साइटेड फॉर द बिगेस्ट ट्रेलर एवर इन इंडिया दोस्तों? जवान की तरह नहीं सेंचुरी ऑफ द हिस्ट्री, जवान की तरह ट्रेलर नहीं आएगा
भाई, उसमें बोलता ना शाहरुख खान अपने क्या बोलते हैं बेटे को बचाने बाप आएगा, तो भैया बाप तो यहाँ है प्रभास कल्कि जी। हाँ दोस्तों, दोस्तों क्या लगता है, क्या वाकई में SRK को हेट करें हम, जो ये लोग हेट करें प्रभास से उनको रोस्ट करें हम, या सिंपली वीडियो बनाते रहे? कमेंट करके बताओ, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय प्रभास।